जो सचमुच बहुत बड़े लोग होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि उनके काम से, उनके नाम से, उनकी छोटी छोटी हरकतों से, उनकी बातों से दुनिया के किस दूर दराज इलाके के अंदर कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बदल जाती है। मैं 9-10 साल का था और मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे दीवार फिल्म देखनी है, और जैसे माँ बाप होते हैं स्टडीज में कमजोर बच्चों के, तो उन्होंने कहा अगर 95% लेकर आओगे तो तुम दीवार फिल्म देख सकते हो। तो मैंने बहुत पढ़ाई की लगन से, 95 नहीं आए, तकरीबन 90 तक आ गए, और उन्होंने मुझे दीवार फिल्म दिखाई। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं बहुत अच्छी पढ़ाई किया, 1st, 2nd, 3rd तक आता रहा, थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी को ये नहीं मालूम कि मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया वो उनकी वजह से था। फिर बड़ा हुआ तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो। तो बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सका। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके काम के कद की बात कर रही हूँ। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि आज भी जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मेरे माँ के लफ्ज़ और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से।